एकदम एक्शन में बाबा चलवा ते गलो को एक्शन के साथ पास स्मार्टफोन है क्या? बताता हूँ तेरा निमोरी ठीक है, सब परी लोग आते हैं तेरे जैसा, वो सब खबर रखते हैं, मेरा सब स्वागत करते हैं। कोई बोलना चाहिए ना, वो एक लड़की है फिर बदनामी हो रहा है उसका, तो आप लास्ट में वो गाना सुना दीजिए। उसका पार्टी बनेगी, तू दूसरा है वो दूसरा है, तेरे जैसा वो नहीं है, उसका आचरण दूसरे की कितनो मारदा ठोकला तो लड़के ना होला। सेट अप झोटला चलवा, घबराना नहीं है नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलवा छोटू और आरती का कहानी, आरती ने बाथरूम में प्यार किया, छोटू को मर्डर करवा दिया, पूरे परिवार को जेल में ठेलवा दिया, डोंट टच मी नो परमिशन, अपने बच गई, पागल का रूप धारा, हमने तेजस्वी के पास भेजा, इंसाफ नहीं मिला, अब यो भासुर से विवाह किया है, डोंट टच मी नो परमिशन। कोई भी हिंदू में विधवा भासुर को देवता मानता है, वो देवर से करेगी भासुर से नहीं करेगी, ये पता नहीं पाकिस्तानी है इंडियन नहीं है। ऐठा मत ऐठा जीव बाबा से बच के न तो कथा जीव, जो भी मैं चाहूँगा छोटू को मैं छोड़ सकता हूँ। ये सब न्यूज आपके पास कैसे आता है? आपके पास स्मार्टफोन है क्या? बताता हूँ तेरा निमोरी ठीक है, पकड़ती है। चलवा मेरा मोबाइल ही इसमें रहता है, जब महाकाल का पूजा कर तो वहीं सब आते हैं, हम इंद्र लोग से सब परी लोग आते हैं तेरे जैसा, वो सब खबर रखते हैं, मेरा सब स्वागत करते हैं। कोई पाँव में तेल लगाता है, कोई हाथ में तेल लगाता है, फिर उड़न खुटिया करके परी परी, जैसे तू भी परी है, तू अभी नहीं उड़ेगी, और लोग उड़ के चले जाते हैं, डोंट टच मी नो परमिशन। चलवा भक्ति में शक्ति होता है, जो भक्ति नहीं करेगा तो शक्ति नहीं होगा, डोंट टच मी नो परमिशन। बाबा इसका जवाब नहीं दिया, आरती का कहाँ से आपके पास आता है न्यूज? वो अररिया आप सिवान के हैं, तो कहाँ से आता है? मैं बताता हूँ, मैं रातों में महाकाल का पूजा करता हूँ, वहाँ हम अघोरा मंत्र का मंत्र मारता हूँ, अघोरा न परो मंत्रो पाहिमाम शरणागतम शरणागतम, इस मंत्र से विश्व की खबर हमारे पास मिलते है, कल का होने वाला है, कौन आने वाला है, गाड़ी हमारे रुका रहेगा, कहीं मठिया से नहीं जाएगा, मेरे को संकेत हो जाते हैं, डोंट टच मी नो परमिशन। आग पीस में जानता हूं। कितने बार आते हैं मतलब छोटू आपके शरीर में? चलवा बिना आदेश के नहीं आएगा, क्योंकि बुलाते हैं तब आता है। हाँ जरूरत पर बुलाते हैं। और इसके साथ में आकांक्षा दुबे भी है, आकांक्षा दुबे भी आ जाती है। हाँ जैसे कि जो समर सिंह ने मर्डर किया और संजय सिंह, आप बताइए इनको समर सिंह के बारे में भी पता, आकांक्षा दुबे के बारे में भी पता है, अब ये नहीं बता रहे डायरेक्ट मतलब क्लियरली, जो आखिरकार पता कहाँ से चलता है? आकांक्षा दुबे, आरती छोटू, अब कौन आया बाबा शरीर में? शेलवा भेदी भेद ना खोले, जब भेद खोल दूंगा तो मेरा भक्ति उड़ जाता है, इसलिए मैं असली बात नहीं बताता हूँ, इसलिए मैं खबर लेके काम करता है। पुलिस तेगलवा को गोल लगता है, सलामी देता है तेगलवा बाबा को, डोंट टच। कैसे पता चलता है? हम लोग को थोड़ा बता दीजिए बाबा, इतना दूर से आया है आपसे मिलने के लिए। हाँ ऐसा बात है। हाँ चलवा तेरे को नाइट में रहना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा क्यों बाबा। अच्छा इससे जो है आप कौन गाना बजाते हैं, कौन सा गाना सुनते हैं, कोई गाना सुना दीजिए तो बाबा। वन मिनट, आप मुँह से सुना दीजिए, हम बाजा से सुनते रहते हैं। अच्छा मुंह से गाना गाना, अच्छा भजन करना है, ठीक है ठीक है। मैं अच्छा आप आकांक्षा दुबे को जानते, तो आकांक्षा दुबे का कोई गाना आपको पता है? नो वो आपके शरीर में भी आती है तो पता रहना चाहिए। चलवा ऐसा बात नहीं है, आकांक्षा दुबे सात बरिस काम किया, समर सिंह से पैसा मांगने गया और वो उल्टा में उसको मौत दिया होटल में। हाँ। होटल में। हाँ। तीनों बंदा मर्डर करके निकल गया, प्रशासन परेशान हो गया पकड़ते तेगलों को बोला प्रशासन, बाबा मिल नहीं रहा, मैंने मंत्र मारा तो मिल गया और पकड़ा गया और जेल में चला गया, दो बंदे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, हम जो चाहते हो जाएगा, पाता हिलने से पहले मैं पेड़ काट डालता हूँ, डोंट टच मी नो परमिशन। अब बोलो चलो बाबा, ये डोंट टच मी नो परमिशन क्या होता है, सबको बोलते हैं, हम लोगों को थोड़ा बताइए क्या? मैं बताता हूँ, यानी मैं डॉन हूँ, डोंट टच मी यानी टच नहीं करना शरीर से, और शब्द से भी टच नहीं करना, मतलब डॉन को टच नहीं करना है, भगवान डॉन यानी भगवान,
यानी आदमी एक भगवान होता। बाबा का ये डायलॉग है डोंट टच मी नो परमिशन, जो कि आप हर एक वीडियो में देखते होंगे ये डायलॉग डोंट टच मी नो परमिशन। क्या बाबा, हम अलग हो करके ही काम करते हैं, करीब होकर काम नहीं करते। अगर करीब हो जाऊं तो तू मर जाएगा, डोंट टच मी नो परमिशन, क्योंकि हार्ड लोहा है हमारे पास, हार्ड, मैं खाली छूंगा तो तू भस्म हो जाएगा। अच्छा बाबा, एगो बात बोलना है हमको, तान्या के बारे में मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोलूंगा, आज से नहीं बोलना है तान्या के बारे में। ठीक है, आज के बाद तान्या को आउट करता हूँ। ऐसे में लड़की बदनाम हो रही है ना। अरे वो तो खुद बदनाम है, उसको कौन बदनाम करेगा। हाँ? वो तो बोलती है कि कितनों मर्दा ठोकला तो लड़के ना होला, सेट अप झोटलाई, उसका उसका पार्टी बनेगी। तू दूसरा है, वो दूसरा है, तेरे जैसा वो नहीं है, उसका आचरण दूसरा है। तू बूढ़े को अच्छा मत का, बुरा बुरा होता है, उसका निमोरी कचरा हो गया है, सौर गया है। नहीं नहीं बोलना चाहिए ना, वो एक लड़की है, फिर बदनामी हो रहा है उसका, तो आपको नहीं बोलना लड़की ऐसा। उसको मिलेगी नहीं तो गांठूगा, देख लो बैक में एक गो आगे तीन गो, खाली मिल जाएगी नू असली जो गीत गाते है उसको छोड़ूंगा नहीं। चंदन चंचल हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे गुड्डू रंगीला हो, चाहे कोई भी हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रशासन, गुंडे, बदमाश, अगर मेरे को परेशानी करेगा घोंपूंगा नहीं तो छेद दूंगा, डोंट टच मी नो परमिशन। एगो तो करूंगा जरूर, मगर दया करता हूँ, मैं फांसी से उतरवाता हूँ, फांसी पर चढ़वाता नहीं हूँ, डोंट टच मी सी डाउन। अच्छा बाबा, लास्ट में एगो गाना सुना दीजिए। हाँ, कौन सा गाना सुनाऊं बताओ। जो आपको पसंद है वही गाना सुना दीजिए। भोले बाबा के सुनाऊं। हाँ, और कोई? हनुमान जी का स्तुति सुनाऊं। हनुमान जी का सुनाइए। ठीक है, केसरी नंदन। एकदम एक्शन में बाबा। चलवा, ते गलों को एक्शन के साथ उठाना है, डोंट टच मी नो परमिशन, क्योंकि झोटलाई का आदेश है। ओके, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखोरे सुधार, बरनउ रघुबर बिमल जसो अजोधाय के फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, वल्लभ देव विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि से तीनों लोक के उजागर, राम दोते अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगे, अकुमति निवार सुमति के संगे, कंचन बरन। बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा, आपको पूरा आता है ये? पवन तन संकट हरन मंगल मूर्त। चलो आप पूरा आता है, कम बोलना ज्यादा समझना। अब बाबा हो गया सेट अप, कैसे हो गया? झोटलाई का मतलब हो गया है, तो हम भी बोलते कि स्टॉप करो, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी। चलो कौशिक।